अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, स्पेशल करी पकौड़ा मेरे अपने स्टाइल में। अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने हाफ के जी दही लिया है, ये देखिए आप, हाफ के जी दही लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से फेंट दिया है। फिर मैंने 1 chopped onion लिया है, 4, 5, 6 मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1 teaspoon मैंने ज़ीरा लिया है तड़के के लिए। अब जो मैंने दही में मिक्सचर डालना है उसमें 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon चिली पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1.5 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon गरम मसाला, ये सब। अच्छा जी, और 1 bowl मैंने लिया है ऑयल का। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, सौंफ मैंने लिया है, इसको पीसी है 1 teaspoon, मेथी दाना है 1 pinch, 1 हरी मिर्च काटी है, 2 spoon मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 tablespoon मैंने कुटा धनिया लिया है और 1 tablespoon मैंने कुटा ज़ीरा लिया है। फिर मैंने पकौड़े बनाने के लिए है 1 आलू लिए हैं जिसको क्यूब में मैंने चॉप किया है, 1 onion लिया है चॉप, रेड चिली 1 teaspoon, गरम मसाला 1 teaspoon, 1/2 teaspoon मीठा सोडा और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये मैंने 1 bowl भर के बेसन लिया है और धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए। अब सबसे पहले हम दही में अपने मसालों को मिक्स करके इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जी, ये दही लिया मैंने। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 tablespoon बेसन डाला। अच्छा, ये आप पे है, अगर आपको बेसन अपना बैटर पतला लगे तो आप अपनी मर्जी से बेसन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसको अच्छी तरह से फेंट लें, कोई भी इसमें लम्स ना आए, अच्छी तरह से फेंट लें। अब मैंने गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्चें, नमक सब कुछ इसमें डाल के मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया, ये देखें इसमें कोई भी लम्स नहीं है। ये हमने अपना फर्स्ट पार्ट किया है कढ़ी का, ये देखिए आप। और साथ में मैंने इसमें 2 cup पानी भी ऐड कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत चटपटी सी ये कढ़ी बनेगी। अब ये मैंने साइड पे रख दिया है। दूसरी साइड पे मैंने देचकी ली, उसमें मैंने 5-6 tablespoon ऑयल डाल दिया। अच्छा, अब इसमें ऐसा किएगा कि 1/2 onion डाल दिएगा बारीक चॉप किया हुआ। ये हमारा स्टार्ट है, समझ लें कि हम तड़का स्टाइल ही स्टार्ट कर रहे हैं कढ़ी का। अब मैंने इसमें 1 pinch मेथी दाना, 1 हरी मिर्च, 1 tablespoon कुटा धनिया, 1 tablespoon कुटा ज़ीरा। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, इतना कि ये थोड़ा सा क्रैक करेगा, यानी हमारा हमारी जो जिंजर की कोई भी खुशबू ना रहे, वो अच्छी तरह से पक जाए, सॉरी गार्लिक की। ये देखिए, अब मैंने इसमें सारा बैटर डाल दिया। अब इसको मैं एक दफा ये इसका उबाल आ जाए, फिर इसको हल्की आंच में 2-2.5 घंटे के लिए आप रख दें। ये मैंने दूसरी साइड में पकौड़ों के लिए 1 bowl जो मैंने बेसन लिया था उसको मैंने अच्छी तरह विस्क कर लिया। हल्का हल्का सा पानी डालें, एकदम ज़्यादा पानी ना डालें कि कहीं ये बिल्कुल हमारा लिक्विड पतला ना हो जाए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको सेट कर रही हूँ। अब इस स्पून की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी।
कि हमारे लम्स ना रहें और ये बहुत लिक्विड और स्मूथी बने। अब ये मैंने मीठा सोडा, गरम मसाला, मिर्चे, नमक सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया। ये देखिए आप, ये देखिए। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है ताकि ये बैटर हमारा स्मूथ रहे। इससे आप जब पकौड़े बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने स्मूथ हमारे पकौड़े बनेंगे। ये मैंने हाफ अनियन चॉप किया हुआ लिया है, वो मैं जब हम पकौड़े बनाने लगेंगे उसी टाइम पे हम ये हाफ अनियन और ये आलू को डालेंगे ताकि ये पानी ना छोड़े। और ये धनिया डाला और थोड़ा सा ऊपर से कुटा हुआ ये धनिया और ज़ीरा डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लिया। ये मैंने एंड टाइम पे मिक्स किया जब मैं बिल्कुल पकौड़े बनाने लगी हूँ। अगर हम पहले ये बैटर मिक्स करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, यानी आलू और प्याज। ये देखिए, ऑयल गरम किया, एक छोटी स्पून से मैंने इसमें अपने पकौड़े का बैटर डाला। इसको आप लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें। ये देखिए, दूसरी साइड पे मैंने हल्की फ्लेम पे अपनी कढ़ी रखी हुई है। कढ़ी 1-1.5 घंटे तक बनेगी। ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है मेरे पकौड़ों का और कितने फ्लफी फ्लफी और गोल गोल से ये बने हैं। अब मैं इसको निकाल लूंगी। एक छन्ने में मैंने निकाला है, उसमें मैंने पेपर भी डाला हुआ है ताकि इसका ऑयल ऑब्जर्व हो जाए। अब मैं इसका तड़का लगा रही हूं। ये मैंने 5-6 टेबल स्पून ऑयल डाला, ऑयल गरम हुआ, फिर मैंने इसमें प्याज डाला। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए, मैंने अब ढक्कन हटाया है। ये हमारे कितने अच्छे उबाल आ रहे हैं कढ़ी में। अब मैंने इसमें सारे पकौड़े डाल दिए। बहुत अच्छा, आपको सॉल्ट कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ढेर सारा मैंने धनिया डाला है इसमें और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए आप, कितनी फ्लफी से हमारे पकौड़े और कितनी ग्लॉसी ग्लॉसी सी हमारी कढ़ी बनी है। अब ये आगे प्याज हो गया ब्राउन। अब हमने इसमें 1 पिंच मेथी दाना डाला। फिर इसमें 5-7 हमने लाल साबुत मिर्च डाली, 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला। अब इसको ब्राउन होने दें आप। ये देखें, कढ़ी का सारा टेस्ट होता ही इसके तड़के में है, इसकी दही में, इसके फ्लेवर में। जितनी देर आप इसको लो फ्लेम पर रखेंगे ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब मैं कलर देने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ ताकि हमारे ऑयल रेड कलर का हो। ये देखिए आप, अब मैं ये तड़का लगा रही हूँ। ये देखिए, आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है, थोड़ी सी हटके है आम जिस तरह हम कढ़ी बनाते हैं उससे। हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप, कितनी कलरफुल सी और टेस्टी लग रही है। हल्का सा इसके ऊपर आप धनिया गार्निश कर दें। और ये मैंने इसको इस बाउल में सर्व किया है। चाहे इसको बॉयल्ड राइस के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ आप सर्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।
और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स।